हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जिनको हाल ही में कर्नाटका स्टेट रैंक 1 मिला है और यहां इस बार स्टूडेंट्स का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1.5 करोड़ पर एनम का मिला हुआ है। यानी कि गाइस, कई सारे आईआईटीज और एनआईटीज में भी हमें इस तरह का सैलरी ट्रेंड्स देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी को टोटली एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे आप यहाँ पे सेट एग्जाम दे के एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आपके पास कई सारे अलग अलग कोर्सेस आ जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, पैरामेडिकल कोर्सेस हो, फार्मेसी हो, आर्ट्स हो, लॉ हो, तो कई सारे यूनिक कोर्सेस आप लोग के लिए यहाँ पे है। इसके साथ ही गाइज, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम पता करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का यूनिक सेशन। व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। अगर आप नए हैं हमारे इस करियर फोरम में तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, पीएस यूनिवर्सिटी के 3 डाइवर्स टाइप के हाई क्वालिटी कैंपसेस है और ये तीनों कैंपसेस बैंगलोर सिटी में ही है। फर्स्ट कैंपस है आपका पीएस यूनिवर्सिटी रिंग रोड कैंपस, सेकेंड है पीएस यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस, थर्ड है आपका पीएस यूनिवर्सिटी हनुमंत नगर कैंपस। और इन तीनों कैंपसेस में से कोई भी कैंपस में आप डाइवर्स टाइप का एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना हो या फिर किसी भी टाइप की डिग्री करनी हो या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी करनी हो, तो यानी कि आपके लिए यहाँ हर वो कोर्स मौजूद है जिसे आप अपना फ्यूचर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एडमिशन के लिए आपको पेसैट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊँगा ही। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के कुछ मोस्ट फेमस कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज, यहाँ सबसे फेमस डिवीजन में से एक है इंजीनियरिंग डिवीजन, जहाँ आपको कई तरह की यूनिक इंजीनियरिंग ब्रांचेस मिलेगी। और यहाँ इंजीनियरिंग डिवीजन का प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। एक एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे 40 लाख पर एनम के ऊपर तक के सैलरी पैकेज तो मिले ही है। इनफैक्ट इस बार तो यहाँ का हाइएस्ट सैलरी पैकेज 1 करोड़ पर एनम के ऊपर तक का स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। अब प्लेसमेंट्स के बारे में मैं लास्ट में आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन इसके पहले हम और भी कुछ कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ आप इंजीनियरिंग के साथ साथ लॉ भी कर सकते हैं, इवन बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जैसी ब्रांचेस है, बीबीए हो, एमबीए हो, नर्सिंग कर सकते हैं आप, बीएससी रिलेटेड कोर्सेज है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीएचडी, फार्मेसी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिप्लोमा, जैसे कई सारी आपके पास यहाँ पे डाइवर्स टाइप की ब्रांचेस आ जाती है। तो गाइस, इनमें से किसी भी कोर्स के एडमिशन के लिए आपको पेसैट ये प्री एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में भी जान लेते हैं। सो गाइस, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा लिए जाने वाले इस एग्ज़ाम को स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि शॉर्टकट में पेसैट एग्ज़ाम कहते हैं। हर साल इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर से नवंबर मंथ में स्टार्ट हो जाता है और आपका एग्ज़ाम जनरली मई मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एग्ज़ाम आप एक ही बार दे सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ या फिर बीएससी रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका पेसैट एग्ज़ाम पीएस यूनिवर्सिटी के बैंगलोर कैंपस में ही होगा। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को पहले पीएस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जाना जाते हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम है पेसैट एग्ज़ाम, वो ऑल ओवर इंडिया के टॉप सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करते समय पूरी डिटेल दी जाएगी। यानी कि गाइज, इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सब कोर्सेज के लिए पेसैट एग्जाम सेंटर आपका पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर ही रहेगा। सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स कर्नाटका स्टेट्स के हैं, वो यहाँ के सी टी एग्ज़ाम दे के भी एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जेई मेंस का स्कोर भी कंसीडर किया जाता है इंजीनियरिंग के लिए। पेसैट एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फीस आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि मैक्सिमम कोर्सेज का फ़ी यहाँ पे 1000 के आसपास रहेगा। और जो हनुमंत नगर कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका फ़ी स्ट्रक्चर 500 के आसपास रहने वाला है। आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स रहेंगे। और जो इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना चाहते हैं, उनको PCM सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा और उसमें भी उनको एग्रीगेट 50% मार्क्स लगेंगे। हर कोर्स के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस डिफरेंट रहने वाला है। इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको गूगल पे पेसैट सर्च करना है, फिर आपको जो कोर्स के लिए अप्लाई करना है उसके ऊपर टिक करना है और आगे की सिंपल प्रोसेस फॉलोअप करनी है। अब गाइज, इसमें हर कोर्स का आपका कॉलेज फ़ी अलग अलग रहेगा, तो उसका लिंक या फिर यूँ कहें कि कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर हमने दे दिया है।
इसके साथ ही कितना इनटेक कैपेसिटी है हर कोर्स के लिए, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो लिंक आप ज़रूर चेक करें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब गाइज, अगर हम इस यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्वालिटी एजुकेशन कैंपस तो मिलता ही है, इसके साथ ही आपको क्वालिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स है, हॉस्पिटल्स हो, क्वालिटी फूड, क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च सेंटर, इवन कई तरह की स्कॉलरशिप्स भी आप लोग के लिए यहाँ पे है। तो ऐसे कई सारी हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, और इसी का नतीजा है यहाँ पे स्टूडेंट्स को टॉप नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज रिक्रूट करने आती है, और बेहतर से बेहतर सैलरी पैकेजेस स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलते हैं। अगर हम ऑन एवरेज सभी ब्रांचेस कंसिडर करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को 5-8 लाख पर एनम तक के एवरेज सैलरी पैकेजेस मिले हैं। इनफैक्ट इस बार यहाँ का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1.5 करोड़ तक का गया हुआ है। सो व्यूअर्स, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आज की कैसी लगी। अगर इसमें आपको और भी कुछ हमें पूछना रहा तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।